हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राजभर कॉमेडीज एंड टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि हम रेगुलर जो ई वॉलेट्स जैसे लाइक पेटीएम, मोबिक्विक और अदर वॉलेट्स जैसे रहते हैं हम यूज़ करते हैं, और लगभग बड़ा अमाउंट, कभी छोटा अमाउंट रिचार्ज वगैरह करने के लिए काफ़ी यूज करते हैं दोस्तों। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, किसी साथ, जैसे हमारे साथ या और किसी हमारे दोस्तों के साथ हो जाता है ऐसा कि हम किसी एक को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बैलेंस, और गलती से कोई नंबर गलत हो जाता है या अकाउंट नंबर या कुछ भी ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह गलत हो जाता है, तो ऐसे में वो पैसा दूसरे को चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों क्या करें, दोस्तों आज मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ और क्या ना करें वो सब भी बताऊँगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ट्रांसफ़र करते समय पहली बात तो आप सही नंबर, सही आईडी और मोबाइल नंबर जो कुछ आपको लगता है वो सभी एकदम प्रॉपरली चेक करके तो ही आप किसी वॉलेट में, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। और दोस्तों उसको एक बार नहीं, कम से कम तीन बार, दो बार चेक कीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि अगर मैं गलत ना हो जाए कहीं पर, दोस्तों एक दो बार आप चेक कीजिए अच्छे से, तभी ट्रांसफ़र कीजिए। दोस्तों अगर गलती से किसी के अकाउंट में या किसी के वॉलेट आईडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, मोबाइल नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोस्तों ऐसे में क्या करें, तुरंत स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्लस अगर आपको रिसिप्ट मिलता है, मैसेज जो आता है उधर से, वो भी आप अच्छे से सेव कर लें। बाकी सब जो कुछ आपको सबूत मिल सके, जितना कलेक्ट कर सके उतना कलेक्ट कीजिए। और फिर उसके बाद जो जैसे मोबीक्विक हो गया, पेटीएम हो गया और अदर वॉलेट्स हो गए, उनके कस्टमर केयर कॉल नंबर दिए रहते हैं, आप तुरंत क्विक मतलब फास्ट काम कीजिए कि ये कॉल कीजिए, उसके बाद बताइए। अगर वो कुछ जानकारी मांगते हैं तो आपके पास सब कुछ जो रिकॉर्ड रखा है अपने, रिसिप्ट वगैरह तो भेज ही सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो भेज ही सकते हैं, या कुछ पूछते हैं तो आप उनको आंसर दीजिए। और अगर आपने अपना KYC सब कुछ वेरीफाई किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाक से वेरीफाई हो जाएंगे कि आपने गलती से किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और वापस आ जाएंगे। तो कस्टमर केयर से बात कीजिए, उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको बताइए। और बहुत सारे फीडबैक सेंटर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप उन पर फीडबैक दे सकते हैं कि प्लीज़ रिफंड माई मनी। तो दोस्तों मैं आपको कुछ वेबसाइट जैसे पेटीएम की हो गई और मोबीक्विक की हो गई, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से फीडबैक फिल कर सकते हैं और आप उधर से देख भी सकते हैं कि कितने जन के साथ कैसा केस हुआ और फिर उन्होंने कैसा सॉल्व हुआ, कितने सेटिस्फाइड हुए हो। तो फ्रेंड्स ये तो हुई फर्स्ट स्टेप जो हो गया, हमको मेन जरूरी काम यही करना है कि गलती से ट्रांसफ़र होने के बाद सब कुछ अपना रिकॉर्ड रखना है, रिसिप्ट वगैरह, उसके बाद कस्टमर केयर कॉल करके सब कुछ बताना है कि मैंने गलती से ट्रांसफ़र कर दिया, आप मुझको वो मनी रिफंड चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ मोबाइल नंबर से अगर ट्रांसफ़र हुआ गलती से, उसको कॉल करके बोल सकते हैं कि यार प्लीज़, वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं मेरे में नहीं आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, लोग ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते हैं, होते हैं आ गया है फोकट का क्या रख लेते हैं, बहुत कम आदमी वैसे होते हैं जो रिफंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो वही आप कस्टमर केयर कॉल करना होगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और बड़ा अमाउंट जो है गलती से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, वॉलेट में चला जाता है, तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं। दोस्तों परेशान ना हो और तुरंत आप जो जो मैंने बताया आपको, जो स्टेटमेंट वगैरह रहते हैं सब कुछ कलेक्ट करके आप उनके कस्टमर केयर को भेजिए और फ़ोन करके बोलिए कि ऐसा ऐसा है, और कुछ पूछते हैं तो उनको रिप्लाई दीजिए, तो फ्रेंड्स सब कुछ बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे में आप जिसके मोबाइल नंबर पे सेंड किया है उनको कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, अगर अच्छा आदमी रहेगा तो मेल रिटर्न कर देगा, लेकिन पहले आपको कदम वही कस्टमर केयर वाला उठाना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अभी चलिए बताता हूँ मैं आपको क्या ना करें ऐसे रीज़न में। अगर और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोई कोई फेक वेबसाइट ऐप्स वगैरह रहते हैं, हम उनसे उनको यूज़ करने लगते हैं इजी होने के लिए। दोस्तों हम सोचते हैं कि पेटीएम कॉम्प्लेक्स है, मोबीक्विक कॉम्प्लेक्स है, दूसरे हैं, अरे इससे इजी तो ये फटा से ट्रांसफर हो जाता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी फेक वेबसाइट्स हम ऐप्स यूज़ करते हैं तो उनसे बचे हैं। और दोस्तों अगर आपने यूज़ भी कर लिया है गलती से तो पैसे वापस आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी किसी सर्विसेज के कस्टमर केयर भी नहीं रहते हैं, सिर्फ ऐप चलाने वाला एडमिन चला रहा होता है, ना उसके पास कोई सलूशन वगैरह बचा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स फेक वेबसाइट, फेक ऐप से बचें, फेक ऐप्स यूज करने से बचें। दोस्तों और जब भी आप प्ले स्टोर से कुछ ऐप या वेबसाइट
मतलब कुछ डाउनलोड करते हैं तो आप नीचे फीडबैक देख लीजिए दोस्तों, किसी कुछ लोगों के साथ हुआ रहता है गलत तो लोग शेयर किए रहते हैं, दिस ऐप इज फ्रॉड, दिस वेबसाइट इज फ्रॉड और अदर कमेंट्स रहती हैं जो उनके साथ प्रॉब्लम फेस किए रहते हैं कस्टमर्स, तो ये सब देख के डाउनलोड कर लीजिए करा कीजिए। तो फ्रेंड फेक ऐप्स और फेक वेबसाइट से बचें दोस्तों, कोई ऐप या वेबसाइट यूज करने के पहले अच्छे से जांच लें कि सही है कि नहीं। दूसरे कुछ लोग कस्टमर्स फीडबैक दिए रहते हैं यूजर्स, तो दोस्तों वो सब पढ़ लें फिर अच्छी तरह से उस ऐप को इंस्टॉल करें, वेबसाइट को यूज करें। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए फेक वाली बात। दोस्तों अगर आपने गलती से किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पैसा, तो इस समस्या को आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बैंक में ब्रांच में जाके बता सकते हैं आसानी से डायरेक्टली कि ये ऐसा हो गया, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो वॉलेट ई वॉलेट्स की बात रहती है, कभी कभी कोई कोई ऐप के कस्टमर केयर नहीं रहते, सिर्फ एक ही एडमिन अकेला यूज करता रहता है, फीडबैक संभाल नहीं पाता, और ऐसे में आपकी मनी जो है, आपकी जो वॉलेट में मनी रहता है सब बेकार जाता है। तो फ्रेंड्स ट्रस्टेड वॉलेट यूज करें। और दोस्तों अगर वॉलेट कस्टमर केयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो पहले आप पुलिस वगैरह में मत जाइए। दोस्तों कभी कभी हम घबरा कर कुछ ना सब ये सब कुछ ना करते हुए हम चले जाते हैं पुलिस में कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स पुलिस में ना जा करके अगर आपके पास मोबाइल नंबर है या कोई सोर्स है पता करने का कि ये आईडी किसका है, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप उसको फ़ोन करके बात कर लीजिए, मेल करके बात कर लीजिए कि मेरा मनी आप वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गया, प्लीज़ यार रिफंड कर दो। तो दोस्तों ये सब अगर वॉलेट रिस्पॉन्ड नहीं करता हो तो ये सब हम करते हैं, तो ये सब कर सकते हैं आप। और अगर 3-4 हज़ार रुपये है, 5,000, 6,000, 10,000 रुपये है, तो दोस्तों आप एक केस भी इस पर मतलब कुछ लोग जोश में आकर केस वगैरह कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, तो दोस्तों आपका जो पैसा रहता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है जोश जोश में। तो फ्रेंड्स ऐसे गलत कदम ना उठाएं और सेफ रहें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने एक अच्छा सा फीडबैक बनाकर और फ़ोन नंबर कस्टमर केयर से कॉल करके सबको डिटेल कस्टमर केयर जो पूछे उन्होंने बताया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी अच्छी तरह से और उनका पैसा रिफंड हो गया था, कुछ 5,000 के लगभग था। तो फ्रेंड्स ये रियल हुआ था हमारे फ्रेंड के साथ, एक गुरु ज्ञान नाम के थे। तो फ्रेंड्स उनका पैसा रिफंड हुआ तो उन्होंने बोला यार ऐसा कुछ हेल्प करो और दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।